What's your name, beta? Sir, my name is Vishnu Agarwal. Vishnu Agarwal. And your father's name? Sir, my father's name is Mr. Sanjay Kumar Agarwal. अच्छा, Mr. Sanjay जी अग्रवाल. अच्छा, ये अपने आतिला में आपकी शॉप भी है ना, ग्रोसरी की. क्या है उस शॉप का नाम, क्या है वो? बिंदल प्रोविजन स्टोर. बिंदल प्रोविजन स्टोर. अच्छा, प्रोविजन का मतलब यही जो डेली यूज के जो सामान होते हैं ना. अच्छा अच्छा, तो आज मैं आपसे ये पूछूंगा कि हर बच्चे को, चाहे आपसे बड़े क्यों ना हो वो बच्चे, है ना, और उन सभी को ये दिक्कत रहती है कि हम इंग्लिश जो ग्रामर है ना, या फिर अगर लैंग्वेज की बात करें तो वो सीखना तो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको ये पता नहीं रहता कि हम जो इंग्लिश है ना वो कहाँ से शुरुआत करें. कभी कभार तो क्या होता है, जो टीचर्स लोग भी है ना वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो पहले टेंस पढ़ना आना चाहिए, मतलब पहले टेंस समझ में आना चाहिए. हर टीचर के मुँह से यही सुना होगा आपने कि जब भी किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो या कहीं पर भी, तो आते ही वो क्या शुरुआत कर देते हैं, टेंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, है ना. तो ये टेंस पढ़ाना शुरुआत में, क्या ये सही बात है? क्या नहीं, नहीं है ना, बिल्कुल. तो फिर एक सिस्टमेटिकली अगर हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मतलब बच्चों को अगर नॉलेज भी देना हो, या फिर आप जैसे बच्चों को पढ़ना हो, या फिर बड़े बच्चे क्यों ना हो उनको पढ़ना हो, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? नाउन से. अच्छा, तो नाउन के बाद में क्या शुरुआत करें फिर? नंबर. क्यों नंबर ही क्यों शुरुआत की आपने, प्रोनाउन क्यों नहीं किया शुरुआत ऐसे? सर, क्योंकि नाउन की तीन चीजें बनती है, नंबर, जेंडर और केस. अच्छा अच्छा, नंबर, जेंडर और केस. तो और में नंबर ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में हम नंबर ही पढ़ेंगे. हाँ. नाउन जैसे ही कम्प्लीट हुआ तो नाउन के जो तीन फॉर्म्स होती हैं, हाँ, जो तीन रूप होते हैं, या तीन रूप में जो नाउन आपको अपनी बुक्स में देखने को मिलता है, हाँ, तो उसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्या? नंबर. नंबर, फिर जेंडर, जेंडर, फिर केस. ठीक है. और फिर जैसे मान लो ये नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्या पढ़ना जरूरी है? प्रोनाउन. प्रोनाउन पढ़ने ग्रामर में. हाँ. क्यों प्रोनाउन क्यों पढ़ना है? क्योंकि सर उसके बाद ये पता चलना चाहिए कि एक है या वो, मैं कैसे कहते हैं ना वो. हाँ, मैं बताता हूँ. देखो इसमें क्या है कि नाउन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में हम ना तो टेंस पढ़ेंगे, हाँ, ना प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ना हम कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं. हम पढ़ेंगे उसके बाद में प्रोनाउन. और प्रोनाउन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नाउन की जगह पर भी तो हम कई बार शब्दों, हाँ, का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो उनकी जगह पर जो शब्द आ रहे हैं तो उनको पढ़ो. हाँ. ठीक है ना. और उन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. फिर एक सेंटेंस मेरे को बताना आगे, और एक सेंटेंस में लिखवा रहा हूँ. जैसे It is a very beautiful chair. तो ये एक सेंटेंस लिखा है ना. हाँ. अब मुझे ये बताओ, हमने क्या क्या पढ़ लिया? सपोज करते हैं पहले नाउन पढ़ते हैं. हाँ. ठीक है. अगर हम उससे पहले की बात करें तो वो अल्फ़ाबेट भी होता है, किसी लैंग्वेज को, हाँ, सीखना है तो अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में नाउन पढ़ेंगे, नाउन के बाद में नंबर, जेंडर, केस हो गया. ठीक है ना, क्योंकि नाउन की ये तीन चीज़ें बनती, हाँ, हैं. फिर जैसे ही हमने नाउन कंप्लीट किया तो उसकी जगह पर हम कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. तो हमारा एक तरह से मान लो फर्स्ट चैप्टर होगा अल्फ़ाबेट, सेकेंड नाउन, थर्ड नंबर, फोर्थ जेंडर, फिफ्थ केस, और सिक्स हो गया प्रोनाउन. हाँ. अब प्रोनाउन जैसे ही पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में हमें क्या पढ़ना पड़ता है इस सेंटेंस के थ्रू, आप मुझे ये बताओ. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. हाँ. नाउन भी कंप्लीट है, प्रोनाउन भी कंप्लीट है, उसके बाद में क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्यों पढ़ना है? क्योंकि सर नाउन के जस्ट बाद एडजेक्टिव आता है. हाँ, नाउन से जस्ट पहले है ना, मतलब, हाँ, नाउन के साथ में चिपके हुए होते हैं ना ये जो चीजें. तो जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है. हाँ. तो ये एडजेक्टिव तो इसके साथ ही आता है, हाँ, अगर सेंटेंस में लाना हो तो, और इससे जस्ट पहले आएगा. हाँ. तो नाउन का कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में फिर प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन, हाँ, के बाद में अब क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव. और फिर एडजेक्टिव का जैसे ही टॉपिक क्लियर हुआ उसके बाद में क्या पढ़ते हैं? एडवर्ब. एडवर्ब. एडवर्ब क्यों पढ़ते हैं बताओ? क्योंकि सर एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आता है, उससे पहले एडजेक्टिव से पहले. एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है. अगर मान लीजिए सेंटेंस में सारे ही वर्ड्स को अगर शामिल करें, हाँ, तो कुछ इस तरह से इनका ये अरेंजमेंट होता है. हाँ. तो चलो बताओ वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है. एडवर्ब है. हाँ, लिखो एडवर्ब. ठीक है.
ओके, नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, ठीक है। अब वो जो एडवर्ब है ना, अगर हम मान लीजिए एक सेंटेंस की उसी तरह से देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन एडवर्ब भी जो होता है ना वो वर्ब के बाद में पढ़ा जाता है, पहले वर्ब पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि यदि मान लीजिए एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वर्ब पहले पढ़ना है, और यदि एडवर्ब मान लीजिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एडवर्ब वाला हो गया टॉपिक, फिर उसके बाद में क्या पढ़ें? आर्टिकल। आर्टिकल क्यों पढ़े? क्योंकि सर एडवर्ब के बाद आर्टिकल आता है, उससे पहले आर्टिकल आता है। एडवर्ब से पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। फिर हमें वो चैप्टर पढ़ना है आर्टिकल वाला। फिर ये सारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ब, फिर वर्ब के बाद में क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब अभी आपको नहीं पढ़ाया मैंने, बाद में धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे वो भी। और फिर जैसे मान लीजिए सारे शब्द पूरे हो जाते हैं ना, तो बेटा शब्दों से बड़ा क्या होता है? सेंटेंस, वाक्य होता है कि नहीं? तो वाक्य बनाना कौन सिखाता है हमें? टेंस से तो सिखाता है। वो अलग बात है कि बुक में ये लिखा हुआ है कि टेंस का मतलब क्या होता है, जो क्रिया का समय के साथ संबंध बताएं, वो अलग बात है, रटने वाली चीजें हो गई। लेकिन इन शब्दों के बाद में हमें क्या पढ़ना है? टेंस, वाक्य बनाना। और वाक्य बनाना कौन सिखाएगा? टेंस सिखाएगा। तो टेंस अब कहीं जाकर फिर बाद में पढ़ना होता है। तो ये तो समझ में आ गया ना तुम्हें कि शुरुआत में ही आप अगर टेंस पढ़ोगे तो वो समय में बिल्कुल नहीं आएंगे आपके, उनसे पहले इन शब्दों को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है। और एक चीज़ और पूछा था बेटा मैं आपसे, इसको आप मिटाओ मत, है ना। जैसे वन होता है, वन लिखो आप एक बार, वन, ठीक है। वन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कोई, कोई। और एक और होता है ना, एडजेक्टिव में एक होता है। हाँ, वन का एडजेक्टिव के रूप में तो अर्थ होता है एक। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना तुम बता रहे हो शब्दों की पहचान करके कि ये एडजेक्टिव है या वो है ना, ये किसी को नहीं आता है बेटा। मतलब क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना वो पढ़ाई कर लेते हैं, पूरी कॉलेज की भी पढ़ाई फिनिश कर ली, फिर भी उनको ये इस तरह का ज्ञान नहीं मिलता है जितना तुम बता पा रहे हो ये सब चीज़ें। तो वन अभी फ़िलहाल हम इसको लेते हैं किसके रूप में? नाउन के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव के रूप में नहीं लेंगे, ये नाउन के रूप में है। तो इसका अर्थ होगा कोई। अब चूंकि ये वन क्या है? नाउन है ना, तो नाउन होने का मतलब है कि उसकी तीन चीजें बनती है, क्या क्या? नंबर, जेंडर, केस बनते हैं कि नहीं? तो वन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वंस। वंस लिख के बताओ, आप ऐसे करो एरो बना दो, हाँ ये वाला, इससे समझ में आ जाएगा। प्लूरल, हाँ इसका प्लूरल बना दो, लिखने की जरूरत नहीं है, रहने दो, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ once, या O-N-E-S? O-N-E-S. ये इसका प्लूरल है, O-N-C-E वो अलग चीज है ना। अच्छा वन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? वन। क्यों होगा वन? क्योंकि सर वो फेमिनिन में भी यही होगा। हाँ ये यूज करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो ना। और वन कौन सा अगर हम प्रोनाउन के रूप में देखें, कौन सा प्रोनाउन है? वन। इनफिनिट। इनफिनिट नहीं, इनडेफिनिट, ठीक है। हाँ ओके, अब ये बताओ इसका पजेसिव केस क्या होगा वन का? वन का पजेसिव केस वंस। वंस लिखो, कौन सा वंस? अच्छा वन अपोस्ट्रोफ एस, वंस, ठीक है। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मतलब प्लूरल फॉर्म और पजेसिव फॉर्म दोनों का हिंदी उच्चारण तो सेम ही है, लेकिन स्पेलिंग अलग है, ठीक है। अच्छा आपने अपोस्ट्रोफ एस क्यों लगाया यहाँ पे? किसमें? वैसे तो पजेसिव केस बनाने के लिए हम apostrophe यूज करते हैं, ऑफ भी करते हैं, बट आपने ये क्यों लगाया? क्योंकि सर एस जुड़ रहा है ना वंस। नहीं, पजेसिव केस बनाने का मतलब यहाँ पे है कि एक वचन है, नहीं है, सिंगुलर है, सिंगुलर है और सजीव के लिए यूज होता है, इसलिए apostrophe एस लगा दिया। चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड।